भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में 23 मार्च 1931 को ऐसा दिन माना जाता है जिसने देश में दिशा बदलने का काम किया था। शहादत शब्द का उपयोग उनके लिए किया जाता है जिन्होंने अपने प्राण हंसते हंसते मातृभूमि की सेवा में न्योछावर कर दिए हो। आज 23 मार्च है जिसे हम शहीद दिन के तौर पर मानते हैं। शायद ही कोई ऐसा वीर होगा जो इस दिन का इतिहास और अहमियत नहीं जानता होगा, फिर भी हम दोबारा बताने में गर्व अनुभव करते हैं। आज ही के दिन 1931 में अंग्रेज हुकूमत ने भारतीय युवा क्रांतिकारियों भगत सिंह, शिवराज राजगुरु और सुखदेव थापर को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया था। महज 23 साल की उम्र में ये नौजवान मातृभूमि पर कुर्बान हो गए थे, जिसके चलते इन्हें शहीद आज़म कहकर भी पुकारा जाता है। इस बलिदान के बाद पूरे देश का युवा खून आज़ादी पाने के लिए उबल पड़ा था, इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में इस दिन का बेहद महत्व माना जाता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गरम दल की राह के सेनानी थे। कम्युनिस्ट तरीके से सड़कों पर आंदोलन के साथ ब्रिटिश हुकूमत को गोली बंदूक की भाषा में भी जवाब देने के समर्थक थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाकर वो हर तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। सन 1928 में भारत आए साइमन कमीशन का विरोध करने पर लाला लाजपत राय की अंग्रेज पुलिस ने लाठियां बरसाकर हत्या कर दी। इस हत्या का बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि ने ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जेम्स कोट के धोखे में 17 दिसंबर 1928 को एक अन्य ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद अंग्रेजों के कान खोलने और पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के विरोध में भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ ब्रिटिश असेंबली में 8 अप्रैल 1929 में महज बहरों को सुनाने के लिए धमाका करने वाला बम फेंका और खुद को गिरफ्तार कराया। एक गद्दार के कारण उनके सॉन्डर्स की हत्या में शामिल होने की जानकारी अंग्रेज सरकार को मिल गई। इस दौरान सुखदेव और राजगुरु भी गिरफ्तार हो गए। तीनों पर हत्या का मुकदमा चलाया गया और करीब 2 साल बाद फांसी की सजा सुनाई गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव द्वारा जगाई गई देश प्रेम की ये आग हम सब भारतीयों में हमेशा जलती रहे, इस कामना के साथ विदाई लेते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।